चलिए स्टार्ट करते। सो एफएम में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब फ्लूइड इंट्रोडक्शन देख लिया था, फ्लूइड प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने चर्चा करना चालू कर दिया था। फ्लूइड प्रॉपर्टीज में अभी भी हम हैं और आज की क्लास में इसी में रहेंगे, फ्लूइड प्रॉपर्टीज में। उसके बाद मैंने आपको बता दिया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मेजर किया जाता है? हाइड्रोमीटर से मेजर किया जाता है। वाटर के लिए कितना होता है अनमोल स्पेसिफिक ग्रेविटी? वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है वाटर का? वन। वेरी गुड। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? कंप्रेसिबिलिटी बता दिया था। उसके बाद मैं आपको विस्कोसिटी बता रहा था। यही बात है जी, सही बात है। पांचवें नंबर पे थे अपन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी दो टाइप की है, एक डायनामिक विस्कोसिटी जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। ये है म्यू और ये है न्यू। म्यू ऐसे लिखेगा क्या? म्यू है, एम है ये, नहीं कैसे लिखेगा यार म्यू? ठीक है, म्यू कैसे लिखेगा? न्यू तो ठीक है, ऐसे लिखेगा म्यू, ऐसे लिखेगा जैसा ही है यार, छोड़ो उसको। ठीक है, ये म्यू है और ये क्या है? न्यू है। ये डायनेमिक विस्कोसिटी है जी, कभी कभी इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोल देता है। तो अगर आपको पता नहीं होगा ना, अगर हम डायनेमिक विस्कोसिटी आपको बोल देंगे और जब एग्जाम में आप सीधे जाओगे, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है यार पढ़ना। अगर आप मैं आपको डायनेमिक विस्कोसिटी बोल दूंगा और डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठेंगे वहां पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल देगा, तो थोड़ा कहीं आपका माइंड घबरा जाता है एग्जाम में, ये क्या चीज आ गया, तो मैं कभी पढ़ा नहीं। सो वही उसका भाई है। तो कभी भी जब ऐसे टर्म्स आए, जब मैं उसको बता रहा हूँ, तो उसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी, आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रखा है, उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। एग्जाम में रिलेटिव डेंसिटी दिख क्या जाता है? सो जो नहीं पढ़ा है, जो सिर्फ जानता है कि इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, जो ये नहीं जानता कि रिलेटिव डेंसिटी भी इसी को बोलते हैं, वो घबरा जाता है। समझ रहे हैं जी? तो जो जो हम बताते हैं आप ध्यान रखना, इसी को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोलते हैं, इसी को डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। इसका एक ही नाम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको मोमेंटम डिफ्यूजिटी भी बोला जाता है। आज मैं बताऊंगा क्या होता है मोमेंटम डिफ्यूजिटी, इसका क्या मतलब है। विस्कोसिटी को मैं इंट्रोड्यूस कर दिया था कल। विस्कोसिटी मैंने बताया था कि विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो फ्लूइड के फ्लो को क्या करती है, रजिस्ट करती है, जिसके कारण ही फ्लूइड में क्या आता है, रेजिस्टेंस। से ही क्या जनरेट होता है? शियर स्ट्रेस। यस, शियर स्ट्रेस। फ्लूइड के लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस जनरेट करने का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है जी? विस्कोसिटी। अरे है ना जी, फ्लूइड के लेयर्स के बीच में जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन किस क्या है? विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भैया विस्कोसिटी को जानने के लिए, डायनेमिक विस्कोसिटी को जानने के लिए एक लॉ को आपको जानना पड़ेगा। वो लॉ क्या था जी? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या, विस्कोसिटी है क्या, क्या ये फ्रेम में आ रहा है जी? क्या ये फ्रेम में विजिबल है? यहां तक नहीं आ रहा है? बता दो ना पहले यार। अरे अरे यहाँ भी बता दो, इधर इधर भी बता दो, चलिए ठीक है। ठीक है भाई, ये सब देख लिया करो, आप लोग के लिए भी है ना, आप लोग भी देख सकते हो कभी, है ना, ऐसा मत करना। हम तो आप लोगों ने पढ़ ली, आप लोग भी देख सकते हो यार। और जिसका जिसका नहीं है आज मुझे नाम दे देना, किसका किसका जोड़ना है मैं जोड़ दूंगा आज घर में जाके। इधर देखो एप्लीकेशन में। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट पूछ लेता। तो कल मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, ये क्या जी? टाउ। टाउ क्या चीज जी? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाय डीटी। यस, वेरी गुड। डी थीटा बाय डीटी को क्या बोलते हैं पुष्पेन? इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बस एंगुलर वेलोसिटी, कुछ भी एंगुलर वेलोसिटी, रेट भाई, बहुत ही बड़ा टी से टाइम, टाइम मतलब रेट, और ये शियर स्ट्रेन है कहने का मतलब। एंगुलर डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। एंगुलर डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। और टाइम है तो क्या बोलेंगे? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अरे यही तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शियर स्ट्रेन भी देगा कि शियर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ये गलत होगा। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जो लिखा होगा ऑप्शन, उसको आपको सही करना है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। उसके बाद शियर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डीवाई, क्या चीज है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट।
तो कल मैं इतनी सारी चीज़ों पर चर्चा किया था। ये डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई होता है, इसको हम थोड़ा सा देख पाए थे कल तक, इतना ही देख पाए थे जी। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर आइए, ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है जी। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट आएगा, देखिए ध्यान देना, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डी यू अपॉन डी वाई। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट क्या चीज है जी, म्यू, डायनामिक विस्कोसिटी। ध्यान देना जी, अभी लिखना नहीं, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, म्यू। मतलब कि ये, मतलब ये है कि ये du अपॉन dy क्या चीज़ है, एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है और एक क्या चीज़ है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब फ्लूइड को डिफॉर्म करने के कारण जो शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, फ्लूइड को डिफॉर्म करने से, यूनिट डिफॉर्मेशन देने से जितना शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है या फिर जितना शियर स्ट्रेस आता है, वही क्या बताता है, डायनेमिक विस्कोसिटी बताता है। समझते हो यार बात को, डिफॉर्मेशन देना मतलब, फ्लूइड में डिफॉर्मेशन देना मतलब क्या, डी यू अपॉन डी वाई इज वेलोसिटी ग्रेडियंट और डी यू अपॉन डी वाई ही क्या चीज है, डी थीटा बाई डी टी है। सो कभी अगर मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ जी, सिंपली रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि डी यू अपॉन डी वाई ही किसके इक्वल है, डी थीटा बाई डी टी की। इतनी बात समझ में आती कि नहीं यार। सो डायनेमिक विस्कोसिटी बताता क्या है कि किसी भी फ्लूइड को डिफॉर्म करने के लिए, डिफॉर्मेशन ये क्या कर रहा है सर, अरे भाई फ्लूइड है, उसको डिफॉर्म करने के लिए हिलाना वाला पड़ेगा ना यार, तभी तो डिफॉर्म होगा। पेंट को, पेंट जो करते हो आप, उसको पहले हिलाते हो ना, तो थोड़ा सा थिनर हो जाता है कि नहीं यार, नहीं हिलाते क्या यार। सो डी यू अपॉन डी वाई क्या चीज़ है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ यूनिट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए कितना, जितना शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है किसी फ्लूड में, उसकी वो कौन बताता है जी, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो आप सुनो मेरी बात, आप लिखो मत अभी, डायनेमिक विस्कोसिटी का ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ये आप ध्यान रखिएगा, अभी लिखिए मत, अभी लिखने की जरूरत नहीं। इधर आइए, अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो शियर स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है ना, ठीक है। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका यूनिट हो गया। डीयू मतलब क्या चीज है जी, डीयू मतलब क्या चीज है यार, वेलोसिटी यार, मीटर पर सेकंड, अरे हाँ ना। और ये क्या चीज है, डी वाई क्या चीज है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में रहेगा जी, मीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा। सो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, सो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये किसका यूनिट है जी, डायनेमिक विस्कोसिटी का। डायरेक्ट एग्जाम में कई बार आपको यूनिट भी पूछ लेता है, या फिर ऐसा लिखा होगा कि बताइए डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इनमें से किसका यूनिट है, तो उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज लिखा रहेगा जिसमें डायनेमिक विस्कोसिटी भी लिखा होगा। समझ रहे जी, कभी भी डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं लिखा है, सिर्फ विस्कोसिटी लिखा है, सुनना, कभी भी डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं लिखा है, ऑप्शन में सिर्फ विस्कोसिटी लिखा है, उसका क्या मतलब समझना है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर उसको बोलना होगा तो लिख के देगा, सिर्फ अगर विस्कोसिटी बोल रहा है मतलब उसका क्या कंसर्न है, क्या बोलना, डायनेमिक विस्कोसिटी। इतनी बात समझ में आ रही क्या, सिर्फ अगर विस्कोसिटी बोल रहा है मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलना चाह रहा है, सुनना। सो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, पास्कल। सो पास्कल सेकंड भी किसका यूनिट है, डायनेमिक विस्कोसिटी का। अरे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल यार, सो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर पास्कल सेकंड भी किसका यूनिट है जी, डायनेमिक विस्कोसिटी। और सुना, एक और यूनिट है, इसका ध्यान देना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्या चीज है जी, न्यूटन, यहां जाओ, न्यूटन क्या है, फोर्स, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं कि नहीं यार, एम ए, एम मतलब मास यार, और एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा, जैसे देखो सुनो मेरी बात, एम ए, ए देखो मैं ऐसे लिखता हूँ यार, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो यार, एफ बराबर क्या होता है जी, सुनदा, एम ए, एम क्या चीज है जी, मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, सेकंड तो यहाँ पर है ही है ऊपर, और नीचे क्या चीज है जी, मीटर स्क्वायर है क्या, मीटर स्क्वायर। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा जी, केजी
मीटर बचेगा ना यहाँ पर, और यहाँ सेकंड एक था, यहाँ दो था, तो एक नीचे सेकंड बचेगा। ये यूनिट भी आपको याद होना चाहिए, ध्यान देना। सो डायनेमिक विस्कोसिटी का तीन यूनिट एकदम फ्रीक्वेंट याद होना चाहिए। एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर को ही मैंने बना दिया पास्कल, पास्कल सेकंड, और केजी पर मीटर सेकंड। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? सो ये तीनों ही यूनिट एग्जाम में पूछे जाते हैं। केजी पर मीटर सेकंड किसका यूनिट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डायनेमिक विस्कोसिटी का है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि पास्कल सेकंड किसका यूनिट है, ये सब आया हुआ एग्जाम में, कि पास्कल सेकंड भी पूछा है, पास्कल सेकंड किसका यूनिट है, तो आप क्या बताएंगे जी? डायनेमिक विस्कोसिटी का, ये एसआई यूनिट है। अब सीजीएस यूनिट पे अगर हम इस पे चर्चा करें, ध्यान देना, इधर आओ, इसको पकड़ो, केजी को, इसको इधर भी देख सकते हैं। न्यूटन को अगर सीजीएस में बनाना है तो क्या करोगे, क्या लिखोगे? इस न्यूटन को सीजीएस में बनाना है तो क्या लिखोगे? डाइन। सुना क्या आपने? डाइन। वन न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन? जैसे कि एक बार, वन बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल। सुना है कि ना? 10^5 माइनस नहीं, डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो ये ध्यान रखना यार, वन न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन, याद रखना इसको। ये सब चीजें नहीं पता है, आप कॉपी में लिखते रहेंगे, धीरे धीरे याद होगा, कोई बात ही नहीं पता है। इधर ध्यान देना, 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड तो सेकंड रहेगा सीजीएस यूनिट में भी, ये मीटर का क्या आ जाएगा जी? सेंटीमीटर, है ना? और न्यूटन का क्या कर दिया? डाइन कर दिया। यहाँ केजी का करोगे तो क्या हो जाएगा? केजी का ग्राम हो जाएगा यार, नहीं होगा ग्राम। मीटर का क्या हो जाएगा जी? सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। ये सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट हो गया जी, ध्यान देना। जो डायनामिक विस्कोसिटी, इसको मैंने सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया, सुनो। सो एग्जाम में पूछता है कि पॉइस किसका यूनिट है, ध्यान देना। सो वन पॉइस इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम या फिर 1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एग्जाम में पूछा, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अरे यार भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 डाइन सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। सुन रहे हो यार? सुनो, पहली बात तो ये सुनो, पॉइस पूछता है पॉइस किसका यूनिट है, तो आप क्या बोलेंगे? पॉइस किसका यूनिट है जी? डायनामिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट है। वन पॉइस इज इक्वल टू कितना होता है? तो ये आपका एसआई यूनिट है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो जी? सीजीएस में कन्वर्ट कर दो। ये आपका एसआई यूनिट है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो? सीजीएस में कन्वर्ट कर दो। वो किसके इक्वल हो जाएगा जी? पॉइस के इक्वल हो जाएगा। सो एग्जाम में ये भी पूछा है कि वन पॉइस किसके इक्वल होता है, तो आपके इसके इसको इक्विवेलेंट बताना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड इज इक्वल टू 1 पॉइस। एग्जाम में ये भी पूछा है बार बार कि पॉइस किसका यूनिट होता है, तो आप क्या बताएंगे जी? डायनामिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट है। इतनी बात समझ में आई जी? अब सुनो, इनके बीच रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जैसे कि आपने ये एसआई यूनिट और सीजीएस के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर रखा है, 1 बार इज इक्वल टू 10^5 पास्कल ये सीजीएस यूनिट है और एसआई यूनिट, इनके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करके रखा है। वैसे ही डायनेमिक विस्कोसिटी का जो दो यूनिट है, एक एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, इनके बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सीजीएस यूनिट मतलब पॉइस और एसआई यूनिट मतलब ये तीनों में से कोई सा भी एक, समझ रहे हो यार? तो इधर देखो, ये मान के चलो वन पॉइस है, ग्राम को अगर तुमको फिर से चेंज करना है केजी में तो क्या करोगे यार? 10^10। अरे हाँ ना, 1 केजी बराबर कितना ग्राम है यार? तो ग्राम से केजी करोगे तो 10^-3 हो जाएगा। सेंटीमीटर करोगे तो -2। सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है जी? मीटर में। अब ये सब आपको फ्रीक्वेंट होना चाहिए, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अपने आप पे काम कीजिए यार। अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं आता तो घर में जाके अपने आप पे काम कीजिए। वैसे ही जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा यार, सीख ही नहीं पाओगे। अगर आपको नहीं आता था अब ये सब जैसे मैं कर रहा हूँ, क्यों हो गया, कैसे हो गया, घर में जाके जब तक एफर्ट नहीं दोगे तो जैसे पहले थे ना वैसे ही रहोगे जिंदगी भर। तो अपने आप पे एफर्ट डालना चालू करो यार, कि जो चीज़ मुझे नहीं आती थी कैसे कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन नहीं बनाने देती है। कंसेप्ट तो आता है लेकिन यूनिटी नहीं कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, वहाँ फेल हो जाओगे आप। तो कुल मिला के अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ये सारी चीज़ों से बच, और ये क्रैश कोर्स में नहीं हो पाता भाई। क्रैश कोर्स में इतनी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये डिटेल बैच में ही थोड़ा आपको बता सकते हैं अपन कि आप छोटे छोटे चीज़ें, ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती, फ्रिक्वेंट नहीं आ पा रही कि ग्राम से आप केजी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्राम से केजी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे एकदम फ्रिक्वेंट। तो आप अगर वैसे स्टूडेंट हैं जो आपको, या फिर आपने पहले पढ़ा था भूल गए, तो आप अपने आप पर एफर्ट करना चालू कीजिए। नहीं करेंगे तो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे यार, आपको कंसेप्ट तो आ जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे यार।
समझ गए, और एग्जाम निकालना है तो हर एक एस्पेक्ट से आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपका टेक्निकल भी अच्छा हो, नॉन टेक्निकल भी अच्छा हो, आपका कंसेप्चुअल पार्ट भी अच्छा हो, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छा हो, तो एग्जाम में रैंक आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आपको धीरे धीरे अपने आप पे काम करना पड़ेगा, समझे ना यार। कोई सा भी पिक्चर देख लो, सुल्तान, और वो कौन सा पिक्चर था वो मिल्खा सिंह, और वो मैरी कॉम, कोई भी पिक्चर देखो ना यार, उस पिक्चर में देखो जब वो जीतता है, कोई भी, चाहे मैरी कॉम जीतती है, तो प्रैक्टिस दिखाता है ना यार, और कितना टफ प्रैक्टिस दिखाता है वो, तो हम 5-10 मिनट में देख लेते हैं उस प्रैक्टिस को। भाई कोई भी चीज़ जीतता है तो उसमें प्रैक्टिस दिखाता है कि नहीं? मिल्खा सिंह वो कहाँ भागता है, रेत में पीछे क्या बांध के भागता है, टायर खून निकल जाता है उसमें, तो भी भागते रहता है, ऐसा मेहनत करना सीधे बात है यार। एक्स्ट्रा मतलब आप ऑर्डिनरी पर्सन रहोगे तो वो चीज़ जो आपको अचीव करना है वो सबके बस की बात नहीं है ना, जो एग्ज़ाम निकालना है सबके बस की बात थोड़ी है। सब लोग गवर्नमेंट जॉब लगा लेते हैं, वैसे सीट तो उतना होती नहीं, सब नहीं निकाल सकते, तो कहीं ना कहीं वो लाइन जो पढ़ने वाले लोगों की लाइन है उसमें आपको आना पड़ेगा, उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। छोटा छोटा एफर्ट है, धीरे 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 धीरे, है ना, आपको ये चट्टान को तोड़ना है तो धीरे 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 उसमें फोर्स लगाते जाओ, लास्ट में टूटेगा यार, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे ये सब एफर्ट है, ये सब नहीं भी आता है तो आपको अपने तरफ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं फ्रिक्वेंट हो जाऊँ, इसमें कन्वर्ट करना, इसको तुरंत निकालना, घर में जाके जब आप बैठे तो फिर से इसको देख लें कि हाँ मैं सारा यूनिट लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। ये CSET वाला एग्जाम नहीं होता है, ये धीरे धीरे आपको रोज पढ़ना होता है, रोज पढ़ना होता है। एक दिन बैठ के पढ़ लूंगा बोलोगे तो नहीं होगा, जिस दिन टेस्ट होगा मेरा FM का, उस दिन बस आप पढ़ के आ जाओगे तो उसमें उससे काम नहीं बनेगा, उससे वो कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आती। इसको कम से कम आपको 150 बार पढ़ना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट को आपको 200-300 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो दिमाग में कहीं रहेगा यार एक एक क्वांटिटी, समझ रहे, अदरवाइज नहीं रहेगा, वो कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी। FM में तो कितने बार पढ़ाऊंगा मुझे खुद याद नहीं है, समझ रहे हो, कितने बार पढ़ाया हूँ, समझ रहे। तो एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, कोई चीज़ें नहीं आ रही है और आपको पता चली भी क्लास में बैठते हुए, फिर घर में जाके उसमें एफर्ट लगाइए, अपने आप को समय दीजिए, जिस युद्ध के लिए आप लड़ने जा रहे हैं उसमें सारा अस्त्र शस्त्र सीखिए, समझ रहे यार। कोई सांप वाला बाण छोड़ दिया तुम्हारे पास, वो कंट्रोल करने का ही नहीं सांप, इतने सारे सांप आ जाएंगे तुम ऐसे ही काट लेंगे यार, तुम क्या ही कर लोगे आप, और तुम सब कुछ रखे हो, सांप वाला रखे ही नहीं थे, अब वही सांप वाला आ गया बाण, समझ रहे हो यार, तुम रखे नहीं हो उसका तोड़, सांप से बच पाओगे क्या यार, जहरीले सांप से नहीं बच पाओगे। तो भाई हर चीज़ का तोड़ आप रखिए, अभी आप कंसेप्चुअल बैच में पढ़ रहे हैं तो आपके पास अभी समय है, घर में जाके और सीधा कुछ ना करके सीधा फिर से कोचिंग में आ जाएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आप खुद से जाइए, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास IAS का बुक हो, प्रीवियस ईयर का, JEE का हो, नहीं भी है तो भी लगाइए, और ये सब में मेहनत लगता है और जो मेहनत करेगा उसी को सक्सेस मिलेगा यार, ठीक है। घर में जाके हमारे एफर्ट के बाद आपका एफर्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट का बस गाइडेंस का काम होता है, जो एग्ज़ाम निकालेगा वो बंदा खुद ही निकालता है, ठीक है जी। अदरवाइज बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट सभी निकाल लेते हैं भाई, सब थोड़े निकाल पाते हैं यार। तो एफर्ट आपका है, पूरा एफर्ट आपका है, हमारा तो बस सिर्फ गाइडेंस देने का काम, एफर्ट आपका है, आपको मेहनत करना है, आपको क्वेश्चन बनाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बनाने हैं, हमारा सिर्फ काम है कि हम कंसेप्ट आपको समझा दें। इतनी बात समझ में आ रही है, पूरा का पूरा एफर्ट आपका है। आप खुद से आईने में बात कर लीजिए कि मैं एफर्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, करूँगा कि नहीं करूँगा, पूछ लीजिए। अगर बोलता है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, छोड़ दीजिए, मत आइए, मैं तो सिर्फ पुष्पेंद्र को पढ़ा दूंगा यार, समझ रहे हो, एक ही आदमी को। इधर आओ, 1 point = ये मैं बात कर रहा था, सेकंड ही है ना, है ना यार। सो ये कैंसल आउट हो गया, क्या बचेगा, ये किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, इसको KG कन्वर्ट कर दिया ना, ये ऐसा करके इसको कन्वर्ट कर दिया, KG मीटर और सेकंड। सो 1 point = क्या बना जी, 10^-1, -2 -3 है ना, सो -2 से -3 कटेगा तो -1 बचेगा ना यार, kg पर मीटर सेकंड। जैसे कि आपको 1 bar = 10^5 पास्कल मालूम है, पास्कल क्या है, SI यूनिट है ना, और ये CGS यूनिट है, तो ये CGS यूनिट है, ये SI यूनिट है। आप जब भी आपको मैं बोलता हूँ कि भैया 2 bar है आपके पास प्रेशर, तो आप जब उसको यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में तो उसको क्या करते हैं, 10^5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पास्कल में। वैसे जब न्यूमेरिकल आएगा जहाँ पर हम फोर्स निकाल रहे होंगे, शेयर फोर्स निकाल रहे होंगे, और म्यू आपको अगर पॉइस में दिया होगा
होगा, 8 वाइज 10 वाइज 15 वाइज जो भी दिया होगा किसी फ्लूड का, उसको किस में कन्वर्ट करना होगा आपको ऐसा यूनिट में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे यार, 10^-1 से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 8 वाइज दिया हुआ है किसी फ्लूड का डायनेमिक विस्कोसिटी, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10^-1 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ऐसा यूनिट में। समझ रहे हैं क्या? जो भी आपका फ्लूड का डायनेमिक विस्कोसिटी पॉइस में दिया होगा उसको 10^-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, ऐसा यूनिट में। समझ रहे हैं यार 10^-1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो डायनेमिक विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये पॉइस इसका यूनिट होता है सीजीएस यूनिट, और 1 पॉइस इक्वल टू इतना होता है, आपको पता होना चाहिए। डाइन और न्यूटन के बीच रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये 1 पॉइस इक्वल टू 10^-1 होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है जी। इतना लिखिए, यूनिट एग्जाम में पूछा गया है। 1 पॉइस इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 1 पॉइस इक्वल टू 10^-1 वाला रिलेशन अब आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप आएगा तो उसको आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। धीरे धीरे लोड बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आपको ऐसा लगता जाएगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये हर एक पर्सन को लगता है, धीरे धीरे सबको लगेगा, तो उससे जो जीत के निकलेगा आगे उसी का कुछ होगा यार। जैसे जैसे नए नए कंसेप्ट आते जाएंगे, नया नया क्वेश्चन आते जाएगा, आपसे नहीं बनेगा, तो बार बार ये मैसेज दिमाग में आएगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। गैस में विस्कोसिटी किसके कारण होता है जी? मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज, है ना, ट्रांसफर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, है ना, सही है ना जी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बताइए, डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप बताइए सब लोग, डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, बताओ अनमोल, डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए डायनेमिक विस्कोसिटी का। हाँ, एम एल टी माइनस वन, हाँ ये सही बोला पुष्पेन, अरे भाई यहाँ से देख लो ना, यहाँ से देख लो, तुम यही बोले क्या, सॉरी, केजी मतलब मास मतलब एम, और ये मीटर है मतलब नीचे एल है, और नीचे सेकंड मतलब टी है, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन लिख लेना, एग्जाम में पूछा है डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। सर यहाँ से क्यों नहीं निकाला आपने, यहाँ, अरे यहाँ से क्यों निकालूंगा, ये सरल है ना यार, ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब डिराइव्ड डायमेंशनल फॉर्मूला है, है ना, ये फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला है, एम एल टी फंडामेंटल है ना यार, 8 या 9 फंडामेंटल वो होता है डायमेंशन,
इसमें MLT तो सबसे इम्पोर्टेंट है यार, MLT ये इसमें देख लो, KG का M हो गया, मीटर का L हो गया, सेकंड का T हो गया, ML-1 T-1 एग्जाम में पूछा गया। सेंटीपोइस लिख के आ जाएगा कभी जीवन में तो क्या होगा, 1 सेंटीपोइस अगर लिख के आ जाए तो क्या होगा, उसका क्या मतलब होगा 1 सेंटीपोइस, क्या बोल रहे हो सर? अरे भाई जैसे पॉइस मालूम है ना आपको, तो सेंटीपोइस लिख के आ गया तो उसका क्या मतलब है, मतलब डिवाइड बाई 100, सही बात। जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वाटर, उसका डायनेमिक विस्कोसिटी कितना होता है? जो वाटर है उसका डायनेमिक विस्कोसिटी 4.0 का डायनेमिक विस्कोसिटी कितना होता है? नहीं भाई क्या 2.5, इधर देखो ये लिख लेना नोट पॉइंट में, तो डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया ना डायमेंशनल फार्मूला नोट पॉइंट में लिखना, ध्यान देना। अगर 1 सेंटीपोइस अगर लिख के आ रहा है सेंटीपोइस करके, सो 1 सेंटीपोइस मतलब पॉइस, इसको कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है यार, SI में, तो पॉइस क्या से आप क्या करते थे 10^-1, और सेंटी को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 10^-2, अरे है ना, सेंटी को कन्वर्ट करोगे 10^-2 तो ये कितना 10^-3, समझ रहे हो? अगर 1 सेंटीपोइस आ जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे यार उसको SI में कन्वर्ट करने के लिए 10^-1 से? अगर सिंपली पॉइस देता है तो उस क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10^-1 को? 8 पॉइस दिया तो किससे मल्टीप्लाई किए 10^-1 से? अगर 8 सेंटीपॉइस दे देगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 10^-3 से? सुन रहे हो? वाटर का लिख लेना, ये 1 सेंटीपॉइस इक्वल टू लिख लेना 10^-3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दूसरा लिख लेना, वाटर का एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वो होती है 1 सेंटीपोइस। लिख लेना वाटर का एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वो होती है 1 सेंटीपोइस। ये भी लिख लेना नोट पॉइंट में, लिख लेना वाटर का जो डायनेमिक विस्कोसिटी होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो होता है 1 सेंटीपोइस, 1 सेंटीपोइस, ठीक है जी। ठीक, हेडिंग दे दीजिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसके बाद। हाँ लिख लो फिर हेडिंग दो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप दूसरे क्लास में आएंगे तो उसका पूरा रिवाइज करके आएंगे, याद एक बार में नहीं होगा, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा तो याद हो जाएगा, याद तो होगा डेफिनेटली लेकिन आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, और किसी से भी एक बार में याद नहीं हुआ है तो आपसे भी नहीं होगा, बहुत बार आप जब पढ़ेंगे तो चीजें धीरे धीरे याद होंगी। लिख लो यार, वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायनेमिक विस्कोसिटी 1 सेंटीपोइस, 1 सेंटीपोइस को कन्वर्ट अगर करना होगा 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देना, वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मतलब SI यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्कल सेकंड बोल दो या फिर KG मीटर सेकंड बोल दो, एक ही मतलब है। हटा रहा हूं मैं, जब हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करते हैं भाई साहब तो फोर्स आता है, कौन सा फोर्स आता है अनमोल जी? जब हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो कौन सा फोर्स आता है?
कौन सा फोर्स आता है? शियर फोर्स। हेलो, हाँ हाँ पढ़ा, मैं लगाता हूँ। हाँ हाँ, डायनामिक विस्कोसिटी की जब हम बात करते हैं तो कौन सा फोर्स आता है जी? शियर फोर्स आता है ना, क्योंकि जब डायनेमिक विस्कोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो शियर स्ट्रेस आता है, शियर स्ट्रेस आएगा दैट मीन कौन सा फोर्स आएगा? शियर फोर्स आएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी विस्कोसिटी, वो क्या है जी? काइनामेटिक विस्कोसिटी। सो काइनामेटिक विस्कोसिटी का फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, तो किससे लेना देना है सर? बता रहा हूँ किससे लेना है। काइनामेटिक विस्कोसिटी का फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। डायनामिक विस्कोसिटी आएगा तो शियर फोर्स आएगा, शियर फोर्स आएगा तो शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं विस्कोसिटी में, काइनामेटिक विस्कोसिटी। अब समझिए इसकी बात, काइनामेटिक विस्कोसिटी मतलब न्यू। जैसे कि मान लीजिए, आप ध्यान देना, एक बड़ा रिजर्वायर है, यहां से आपको चीजें समझ में आ जाए, मुझे ऐसा लगता है आ जाएगा। मान के चलिए ये क्या ले, इसको थोड़ा सा मड ले लेते हैं, दलदल वाला यार है, और ये मस्त पानी हमारा, इसमें हम डूबेंगे, उसके बाद यहाँ आके नहाएंगे, मड में डूब जाएंगे फिर यहाँ आके नहाएंगे, समझे? ये है अनमोल, अभी जिम विम करके आया मस्त अब ये गलती से घुल गया इसमें मड में, इधर जाए, ये पुल ब्रिज था और ये ब्रिज टूट गया यार, यहाँ से गिरा। सुनना मेरी बात, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझना, काइनामेटिक विस्कोसिटी का एक बार में समझ में आना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर डूबेगा, ध्यान देना, मड है ये, मड की विस्कोसिटी कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी यार? ज़्यादा है, मड ध्यान देना। तो जैसे ही ये मड में डूबेगा तो ये हलचल जो होगा वो बहुत तेजी से होगा इसके चारों तरफ या कम होगा? सोच के देखो आप, अगर मड है, एकदम दलदला जो मड है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस है वो, तो जब उसके सेंटर पे अगर वो डूब जाएगा अनमोल, तो उसके चारों तरफ जो हलचल आएगा, हलचल दैट मीन्स मोमेंटम, वो बताऊंगा अभी, तो वो कम आएगा। अभी तो मैं सरल शब्दों में चर्चा कर रहा, फिर मैं बताता हूँ उसको, टेक्निकल लैंग्वेज में आऊँगा। तो ज़्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ज़्यादा हलचल होगा कि कम होगा? कम होगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ से ये डूब के बाहर निकलेगा, अब वो पानी में जब कूदेगा, ध्यान देना, पानी के कूदेगा तो हलचल ज़्यादा होगी कि कम होगी? होगा ज़्यादा। तो ये जो हलचल हो रही है ये कहलाता है मोमेंटम। क्या कहलाता है? मोमेंटम। सो अलग अलग फ्लूइड जो है अलग अलग मोमेंटम ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखते हैं, समझ रहे जी? जब ये ऐसी कूदेगा तेजी से हलचल होगा ना यार पानी में, इसकी विस्कोसिटी कम है, यहाँ पर कूद रहा है तो हलचल बहुत धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को यार? सिक्के को कभी हनी में डाल के देखना और कभी पानी में डाल के देखना, है ना, हनी तो बहुत कम डिस्टर्ब होगा यार, पानी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, समझ रहे हैं यार? सो हर एक फ्लूइड की का मोमेंटम को ट्रांसफर, मोमेंटम मतलब जी अब समझ में ना, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आएगा मतलब मोमेंटम चेंज आएगा यार। जनरली मास में चेंज नहीं आता, मोमेंटम में चेंज आता है, तो मास थोड़ी चेंज होता है यार, क्या चेंज होता है? वेलोसिटी, तो मोमेंटम में चेंज आता है। सो हर एक फ्लूइड के पास मोमेंटम को ट्रांसफर करने की एबिलिटी होती है, जो एबिलिटी बताता है कि इसकी इतनी है, वो कौन सी क्वांटिटी है? काइनामेटिक विस्कोसिटी। सुन पा रहे हो मेरी बात यार? हर एक फ्लूइड की मोमेंटम ट्रांसफर करने की एबिलिटी होती, शक्ति होती है, और वो बताता कौन है जी? काइनामेटिक विस्कोसिटी। सुन पा रहे हो यार? हर एक फ्लूइड की अलग अलग एबिलिटी होती किसको ट्रांसफर करने की? मोमेंटम को ट्रांसफर करने की। वो बताता कौन है यार? काइनामेटिक विस्कोसिटी बताता है। कौन बताता है? बस खत्म हो गया सर। हाँ खत्म हो गया खत्म हो गया। अरे अभी आपको समझ में आया कि मड की मोमेंटम ट्रांसफर करने की एबिलिटी कम है, पानी की ज्यादा है? अरे नहीं समझ में आया क्या? हलचल हुआ ना तेज, पहुंचा कि नहीं पहुंचा वहां तक? तो काइनामेटिक विस्कोसिटी बताया क्या? मोमेंटम ट्रांसफर करने की एबिलिटी बताया। किसका यार? फ्लूइड का भाई, और किसका बताएगा? मेरा बताया क्या? मोमेंटम ट्रांसफर एबिलिटी बताएगा। सही बात है जी, उसी को बोलते हैं मोमेंटम डिफ्यूजिटी, उसको एबिलिटी जो बताता है, ठीक है? सो ध्यान देना, न्यूरोसर्जन से आप इसको याद रखेंगे, न्यूरोसर्जन सुने ना यार? अनमोल राजनांदगांव में है ना न्यूरोसर्जन? हो रहा है हर हॉस्पिटल रहेगा यार, बड़ा हॉस्पिटल तो है राजनांदगांव। ध्यान देना, तो ऐसे याद रखना, म्यू पहले पढ़ लिया ना, म्यू क्या था?
डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू न्यूरोसर्जन न्यू रो. एग्जाम में पूछता है भैया कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला बताइए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू का, तो क्या हो जाएगा म्यू बाई रो. म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, म्यू बाई रो. म्यू क्या चीज है जी, डायनामिक विस्कोसिटी. एग्जाम में यही बस पूछ लेता है, ये सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. रो मतलब क्या चीज है जी, डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी. सो इट इज रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी. ये मैथमेटिकल टर्म में, फिजिकल क्या मीनिंग है वो मैंने आपको बताया कि वो कोई भी फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की अपनी अलग अलग मोमेंटम को ट्रांसफर करने की एबिलिटी होती है वो ये बताता है, लेकिन मैथमेटिकली भी तो बताना पड़ेगा. सो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, इट इज रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, मास डेंसिटी. समझ रहे हो यार. सो म्यू का यूनिट अभी आपको मालूम है, मैंने बताया क्या बताया, केजी पर मीटर सेकंड, सही बात है जी. और रो का आपको मैंने बता दिया था, कल ही पर बता दिया था, केजी पर मीटर क्यूब, सही बात है जी. सो ये केजी केजी गया घर, ये भी घर चला गया, यहाँ पर बचा मीटर स्क्वायर और नीचे बचा सेकंड. सो म्यू का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड. याद रखना पड़ेगा आपको, मीटर स्क्वायर सेकंड किसका यूनिट है जी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी. न्यू का काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा यूनिट. जैसे वहां पर सीजीएस यूनिट था, यहां पर भी सीजीएस यूनिट होगा. तो वो जो सीजीएस यूनिट है ना, वो जी स्ट्रोक है जी. सो वन स्ट्रोक इज इक्वल टू कितना बोलेगा, तो आप क्या करोगे इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, सीजीएस में. सो मीटर को करोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेकंड. सो वन स्ट्रोक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड. इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया सीजीएस में, मीटर को सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहता है. सो वन सेंटीमीटर सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन स्ट्रोक. एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रोक किसका यूनिट है, तो आप क्या बताओगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का. क्या बता पाओगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का. एग्जाम में ये भी पूछा है वन स्ट्रोक इज इक्वल टू कितना होता था, क्या बोलोगे, वन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. बता पाओगे यार, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता पाओगे, बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बताओगे तो क्या हो जाएगा, इसे पकड़ लोगे. डायमेंशनल फॉर्मूले अगर हम बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम पूछे, सारे क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम फ्रिक्वेंट पता होना चाहिए यार. मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर और ये सेकंड मतलब टी. सो एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस वन. एम कुछ नहीं तो एम जीरो यार, सही बात है जी कि नहीं है, लिख लो इसका डेफिनेशन लिख लेना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डेफिनेशन लिखिए. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ऑल्सो रिफर्ड मतलब ईडी लगा देना. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द मोमेंटम डिफ्यूजिटी टू एस. काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ऑल्सो रिफर्ड टू एस दी मोमेंटम डिफ्यूजिविटी. मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ऑफ द फ्लूइड दैट मीन्स momentum diffusivity of the fluid, that means ability of the fluid to transport momentum. ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर जो भी लिखना है, ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट मोमेंटम. ठीक है जी. सो पहला डेफिनेशन आपके पास तो यही है कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो भैया म्यू बाई रो का जो टर्म है वही क्या कहलाता है, न्यू कहलाता है. अब आप इसको लिख लीजिए.